हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और हम लोग है ना निकले हैं हेयर कट कराने। मेरे बाल अभी जितने लंबे हैं, इतने बाल कभी भी मैंने लंबे नहीं किए। पहले पहले करती थी, पर अभी मैं शॉर्ट ही रखती हूँ। तो बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन सिचुएशन मैंने बाल कटवाए नहीं थे। सानवी और खुशी के बाल भी बहुत लंबे हो रखे हैं। मैं पहले सोच रही थी मैं काट देती हूँ घर में, बट देन थोड़ा सा वो लोग भी स्कैर्ड थे, शर्मा जी ज़्यादा स्कैर्ड थे कि मेरे बच्चों को जोकर मत बना देना। तो इसलिए फिर हम लोग जा रहे हैं आज हेयर कट करवाने। कल मंदिर जाने से पहले मैंने बाल शैम्पू किए थे, बच्चे लोग ने भी कल शैम्पू किया था। तो आई थॉट आज सही डे है क्योंकि दे नीड क्लीन हेयर, अदरवाइज फिर वो शैम्पू का भी बिल बिठाएंगे। तो बस फाइनली हेयर कट हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी हम तीनों के अपडेटेड हेयर। फिलहाल तो मैंने ऐसे ही बांध रखा है। और मुझसे ज़्यादा तो सानवी खुशी बड़े बालों से इरिटेट होती हैं। उनके फिर कॉम करने में बाल खींचते हैं, शैम्पू करने में डिस्कम्फर्ट होता है, और चोटी में भी बाल खींचते हैं। बहुत लोग चोटी बनाते हैं ना, तो स्कैल्प में दर्द हो जाता है। तो सानवी खुशी को बिल्कुल पसंद नहीं है चोटी करना, इसलिए उनके बाल मुझे कटवाने ही थे। आई थॉट मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूँ, मैं भी अपने बाल कटवा लेती हूँ। शर्मा जी का तो कोई इशू ही नहीं, मैं ही काट देती हूँ। क्या हुआ? बात तो सही है, बात पर लास्ट टाइम मैंने कटवाए हैं, हाँ इस बार, हाँ इस बार कटवा के आए हैं, बट पूरे लॉकडाउन मैंने काटे हैं आपके बाल। तीन बार इनके बाल काटने के चक्कर में तो मैंने बाल काटना सीख लिया। इतनी सारी यूट्यूब ट्यूटोरियल देखे लड़कों के बाल कैसे काटते, क्योंकि इन लोगों का ये जो नेप एरिया होता है ना, ये क्लीन करने का बड़ा झंझट रहता है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। और सैलॉन में सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा हुआ था, हाइजीन का भी पूरा ध्यान वो लोग रखे हुए थे। हम लोगों ने सैलॉन में एंट्री लिया, इससे पहले उन लोगों ने हमारे जो फीट है वो सैनिटाइज कराया, ये प्लास्टिक शूज़ पहनाया, एंड उसके बाद अंदर भी जो भी चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल करी, लाइक दे वर नॉट यूजिंग टावल्स एंड ऑल, दे वर यूजिंग ऑल यूज एंड थ्रो थिंग। और शैम्पू मैंडेटरी था, हम तीनों शैम्पू ही किए थे। मतलब प्रीवियस डे हम तीनों ने शैम्पू किया था कि नेक्स्ट डे बाल कटवाना है ऐसा सोचकर, पर इन्होंने फिर भी प्रिकॉशनरली हम तीनों का शैम्पू भी किया। You happy Shanu? Your hair has become like Khushi's. और सबसे पहले खुशी का हेयर कट हो चुका था, इसके बाद सानवी और मेरा ऑलमोस्ट सेम टाइम, मतलब मेरा थोड़ा सा पहले हो गया था, फिर सानवी का डन हुआ। हम दोनों बैठे एक साथ ही थे, और ये लोग सानवी खुशी के थोड़े से क्लिप्स ले रहे हैं बिकॉज़ इनको अपने ऑफिशियल पेज पर वो फ़ोटोज़ लगाने हैं। उन्होंने मेरा परमिशन मांगा भी था इसके लिए, एंड आई ग्रांटेड बिकॉज इसमें कोई इशू नहीं है। वैसे भी सानवी खुशी काफ़ी पहले, लाइक अराउंड 4 years ago वो लोग मॉडलिंग करते ही थे। उन्होंने पैंटालूंस बरोडा के लिए मॉडलिंग की थी, रैंप वॉक भी किया था। और ये देखिए, ये है सानवी का हेयर कट, ये शायद इन्वर्टेड बॉब है, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये इस तरह का दिखता है, आप ये पिक रख सकते हो फॉर रेफरेंस। और सानवी का हो गया है, खुशी की बारी है। ये शर्मा जी रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोगों को, और मैं बच्चों को रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो बच्चे इंटरेस्ट ले रहे थे, लाइक शानू उतना इंटरेस्ट नहीं लेती है, खुशी को ये सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आता है। यही वजह है कि हम लोगों ने, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी ना, देवर इन टू मॉडलिंग एंड ऑल, ये सब छोड़ दिया था क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते थे। मुझे लगा था कि बच्चों को हर तरह का एक्सपोजर देना चाहिए, इससे व्हेन दे विल बी लाइक ग्रोन अप्स अडल्ट, तो हर चीज़ उन्होंने देख रखी होगी, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का हेडेक नहीं रहेगा। इसलिए मैं जो भी अपॉर्चुनिटी मिलता था वो बच्चों के लिए करती ही थी। उनको टीवी में काम करने के लिए भी उन लोगों का, हम लोगों ने वो बायोडाटा वगैरह होता है ना, वो बनवाया था। बट देन ऑब्जर्व किया मैंने और शर्मा जी ने कि बच्चों का शायद इसमें
इंटरेस्ट नहीं है तो हम लोगों ने उन्हें फोर्स नहीं किया, वरना मोनू भैया भी तैयार ही थे यू नो हेल्प करने के लिए, जो भी इधर उधर जो कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह होता है उन सब के साथ कॉन्टैक्ट्स के लिए, और ये लोग का हम लोगों ने प्रोफाइल्स भी बनवा लिए थे। बट अगेन एज आई सेड, अगर बच्चों का मन ही नहीं है तो उन पर आप कोई चीज़ थोप नहीं सकते। और हम लोगों ने वो जो पैंटलून्स वाला जो सेशन रहा था ना, मैं इन लोगों को लेकर जाती थी वो ड्रेस चेंज करना, और वहाँ पे जो मेकअप आर्टिस्ट और वो सब होते थे ना, वो लोग उनको तैयार व्यार करते थे, तो समवेयर लाइक आई वाज ऑब्जर्विंग मेरे बच्चे वो एंजॉय नहीं कर रहे थे, वो नए नए कपड़े पहन के यहाँ वहाँ घूमना, उनके कहे अनुसार चलना, पोज देना और फिर मेकअप वेकअप लगाना रोज़ रोज़, इट वाज़ लुकिंग क्वाइट आर्टिफिशियल। शुरू शुरू में इन दोनों को मज़ा आता था, बट धीरे धीरे दो चार दिन बीत जाने के बाद थोड़ा सा वो, मैं ऐसा ऑब्जर्व कर रही थी, शर्मा जी को भी ऐसा लगा कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उनको फोर्स किया जा रहा हो। तो इस चीज़ के हमें कोई पैसा कमाने का ज़रिया तो बनाना नहीं था कि करना ही करना है, बेसिकली बच्चों को ध्यान में रखे हम लोगों ने ये किया था। और अगर वो इसको प्रेशर महसूस कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता कि हम लोग उनको इस तरह से परेशान करें, बिकॉज यही दिन है ज़िंदगी में मज़े करने के। आगे तो लाइफ फुल ऑफ प्रेशर स्ट्रेस है ही, बहुत सारी चीज़ें जो मन नहीं करता वो भी करनी पड़ती हैं, हम में से ज़्यादातर की जॉब इस चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल है ना। ये देखिए, ये खुशी और सानवी के फोटोज ले जा रहे हैं, सैलून वाले ही ले रहे हैं, आई डोंट नो क्या रीज़न है, वो तो अभी आपकी दी आएंगी तो पता चलेगा। और ये देखिए तीनों की हेयर स्टाइल, आपकी दी, सानवी और खुशी, दे आर लुकिंग सो डिफरेंट यार। सानवी का तो एकदम लुक ही चेंज हो गया है यार, बहुत ही अलग। ये देखिए, ये पीछे सानवी खड़ी हुई है, इसका लुक ही चेंज हो गया, इसके तो कर लिए हेयर थे, ये क्या कर। बहुत ही अच्छा, ये आने की तैयारी में है तीनों, चलिए देखिएगा आप लोग भी और बताइएगा कि कैसा लगा ये हेयर स्टाइल इन लोगों का। ये आ गई आपकी दी, फॉलोड बाय खुशी एंड देन सानवी, ये आ गई है। अरे ये कौन है भाई, अरे ये प्यारे प्यारे से लोग कौन है, अरे सानवी शो मी योर फेस बेबी, यू आर लुकिंग सो डिफरेंट, ओ माय गॉड। खुशी शो मी योर फेस, अभी तो ये ट्विन्स लग रहे हैं यार। खुशी शो मी योर फेस, अरे मास्क तो नीचे कर दो यार। ओ तुम भी, शो मी योर फेस बेबी। बहुत ही बढ़िया, ये देखिए हेयर कट मेरा तो बिल्कुल सिंपल सा है, मैंने कुछ ज्यादा वो कराया नहीं, क्योंकि मुझे बेसिकली शॉर्ट ही चाहिए था, ऐसा कोई स्टाइल नहीं चाहिए था। तो हम लोग थे यहाँ सलोन में और शर्मा जी गए हुए थे कुछ काम करने, वहाँ पे ही मेट विद द सब्सक्राइबर है शर्मा जी, और मैंने सेल्फी भी लिया उनके साथ, वो डालने हैं, वो हम डालेंगे। इनका नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैंने तुमको शायद वो, हाँ मुझे पिक भेजा, मैं पिक लगा दूंगी। ये अच्छा, वो बोलने वाली थी कि वो कमेंट भी करेंगी। अच्छा, हाउ स्वीट, वो और उनकी डॉटर थे साथ में, तो मैंने सेल्फी लिया, आप सेल्फी देखना। अब से मुझे जो भी सब्सक्राइबर में लग रही है ना, मैंने ये अभी सोचा है कि मैं सेल्फी लूंगी और व्लॉग में दिखाऊंगी, आपको भी अच्छा लगेगा मुझे भी अच्छा लगेगा। यूजुअली मैं ना एकदम स्पेल बाउंड हो जाती हूँ जब मुझे कोई ऐसे मिल जाता है तो, लेकिन अभी शर्मा जी ने ले लिया तो वो मैं आगे लगा दूंगी। अरे एक्चुअली पता है क्या हुआ था, मैं मिल लिया था उनसे और फिर उसके बाद मेरे को लगा कि यार देयर शुड बी सम मेमोरी ऑफ दिस थिंग ना, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता, मैं कभी पिक नहीं लेती, मुझे याद नहीं रहता। तो मैंने फिर दोबारा से उनके पास गया, मैंने उनको बोला कि कैन वी टेक अ सेल्फी, तो मास्क भी हटाया था, लेकिन वी वर लाइक डिस्टेंस पे थे हम लोग। और सानवी खुशी का हेयर स्टाइल देखा आपने, सानवी का उसने आयन कर दिया, बिकॉज मेरा और सानवी का पैरेलल ही हो रहा था एक साथ ही, तो मैं ध्यान नहीं दे पाई, मैंने मना किया था इतना हीटिंग के लिए। बिल्कुल खुशी जैसे बाल हो गए शानू के। हाँ एकदम सेम, सानू अच्छी लग रही है अब तो कोई भी बोलेगा जुड़वा, अभी तक इतना जुड़वा बोलते थे लोग, तो अभी तो कोई भी बोलेगा जुड़वा। बट आई एम वेरी हैप्पी, और वो लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे थे हाइजीन का। हाँ
nice. She's sending me all those things. उसने जितने भी फोटो लिए थे ना videos and all, तो मैंने बोला था मुझे WhatsApp करने के लिए. Yeah, she's sending all those. आपके साथ share करूँगी. और हम लोग हेयर कट करा के घर वापस आ गए. एक्चुअली हेयर कट करा के डायरेक्टली घर नहीं आए हम लोग. मेरा ना प्लान था एक प्लांट ख़रीदने का. शर्मा जी पीछे पूजा कर रहे हैं. तो प्लांट ख़रीदने के लिए हम लोग गए थे. तो समहाउ मैंने ना यहाँ वहाँ देखा था, तो मेरा मन था कि मैं एक आर्टिफिशियल प्लांट लूँ अंदर के लिए, थोड़ा सा एस्थेटिक पर्पज़ के लिए बेसिकली. पर फिर वहाँ हम लोग गए तो वो प्लांट जो हम लोग लेने वाले थे, जो अच्छा लग रहा था, वो उसने कुछ 3000 का बिल बताया. बिल एज इन हम लोगों ने चूज़ नहीं किया था, आई वॉज जस्ट एस्किंग कि इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस क्या है. तो वो तो स्टिक के हिसाब से मिलता है जो भी आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं. तो स्टिक्स, चार पांच स्टिक थे, वो बैम्बू लेने वाले थे हम लोग, या तो पाम ट्री या तो बैम्बू में से कोई एक लेने वाले थे. और विद गमला एंड ऑल दैट मिला के उसने अराउंड 3000 का बिल बताया. शायद 3000 के ऊपर ही जाता. तो शर्मा जी टोल्ड मी कि जो बाहर बालकनी में बाहर जो 6 पौधे आपने देखे हैं ना, वो तो कितना, शायद 2000 भी हमारा खर्चा नहीं हुआ था. मुझे एग्जैक्टली प्राइस याद नहीं है, बट फॉर गॉड सेक 2000 लाइव प्लांट्स. तो शर्मा जी और मैंने डिसाइड किया हम लोग को आर्टिफिशियल नहीं लेना है, हम लाइव प्लांट ही लेकर आएंगे. और उसको बढ़ते देखकर एक अलग तरह की फीलिंग आती है, हैप्पीनेस मिलती है. तो हम लोग प्लांट फिर नहीं लेकर आए, और आर्टिफिशियल प्लांट मुझे चाहिए भी नहीं अभी. तो मैं घर में एक लाइव, मुझे पता नहीं कौन सा प्लांट लाऊंगी मैं, वो जो नर्सरी वाले भैया होते हैं ना उनसे पूछ के कोई अच्छा इंडोर प्लांट लेकर आऊंगी, जो अच्छा तो दिखे ही, ऑब्वियसली एस्थेटिक पर्पज़ के लिए ही मुझे लाना है, एंड जो थोड़ा अंदर अच्छी तरह से सर्वाइव भी कर सके. तो वो प्लांट तो वहाँ ड्रॉप कर दिया. और मैंने घर आके बाल बांध लिए बिकॉज मुझे किचन में काम करना है. और सानवी खुशी बहुत ही ज़्यादा खुश है, इतने अच्छे दिख रहे हैं वो दोनों. मेरा बहुत टाइम से ये टू डू लिस्ट में था कि हेयर कट करवाना है, बट बाहर ज़रा थोड़ा सा डर लगता है हर जगह जाने के लिए ना. तो ये जो सैलून है ये हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मैंने पहले भी यहीं से हेयर कट करवाया था. दे गाइज़ आर टेकिंग लाइक एवरी प्रिवेंटिव मेजर. जस्ट अ सेकंड, मैं आती हूँ. हाँ आती हूँ. तो शर्मा जी ने बुलाया था, वो एक्चुअली पूजा कर चुके हैं, तो वो ऐसे जोत देते हैं ना सबको, वो कर रहे हैं. पर मैं आपसे बात कर रही थी, तो मैं बता रही थी कि मेरे को जो डर था ना वो वहाँ जाके बिल्कुल ही दूर हो गया. पहले तो बाहर ही उन लोगों ने हमारे पैर को सैनिटाइज़ कराया, उसके बाद फिर वो जो शूज़ पहनाते हैं, प्लास्टिक शूज़ बैग्स जिस जो होते हैं वो पहनाया, अंदर अंदर भी पूरा उन लोगों ने अच्छी तरह से ध्यान रखा हुआ था. उन सभी ने किट पहना हुआ था, और कोई टावल्स ये सब चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर रहे थे वो. एवरीथिंग वॉज लाइक यूज एंड थ्रो. तो आई एम वेरी हैप्पी. शानू इधर आओ. बस शानू के बाल है ना स्ट्रेट कर दिए. मैंने मना किया था कि कुछ भी हॉट उनके बालों पे नहीं लगाना है, पर शानू और मेरा हेयर कट साथ में हुआ. मैं उधर बैठी थी और शानू उधर बैठी थी, तो मैं ध्यान नहीं दे पाई. बट अच्छी लग रही है ये. और अभी इसने ये हेयर बैंड डाल लिया, तो ये मुझे ज़्यादा स्मार्ट लुक लग रहा है. पर ये तो स्ट्रेट तो एक शैम्पू तक के मेहमान है. ये कल परसों जब भी स्ट्रेट करेगी ये वापस सीधे हो जाएंगे, मतलब इसके वैसे हो जाएंगे. पर कितने अच्छा लग रहा है ना दोनों बच्चे. अरे सबसे ज्यादा तो खुश तो शर्मा जी हैं. कोई हाँ. कैटी पेरी बोल रहे हैं किसी को इधर आओ. इधर आओ. कैटी पेरी जैसी लग रही है. ये कैटी पेरी और डोरा जैसी लग रही है. डोरा लग रही है ना, बड़ी होके लगेगी वैसे. और सानवी तो उस टाइम क्लियोपेट्रा जैसी लग रही थी. आई डोंट नो क्लियोपेट्रा ने ऐसी, बट मैं लुक्स के ऊपर बोल रहा हूं. लुक्स की बेसिकली वो हेयर स्टाइल की वजह से. तो मैं ना अब चाय बनाऊंगी, बहुत थकान लग रही है और मन भी हो रहा है. यहाँ तो कई कई एरिया में आज बारिश भी हो रही थी, तो अजीब सा फिर मन हो रहा है. और वैसे भी घर आके तो हम लोग सबसे पहला काम चाय पीना ही करते हैं. चाय बना लूँ शर्मा जी? हाँ जी बिल्कुल. ओके. चाय के लिए कभी ना नहीं है.